Good afternoon student. In this lecture, we are going to discuss the last operation of the DQ double-ended queue. The last operation is the removal of the element from the back or at the back. So in the previous lecture, we already discussed the above three operations that are the insertion of the element at the back, insert the element at the front, and removal of the element at the front. So last one is the remove the element.

कहाँ पे आ जाएगा फाइव पे क्योंकि सेवन वैल्यू डिलीट हो जाएगी क्लियर तो रेयर माइनस वन हो जाएगा तो एल्गोरिथम क्या है इसका स्टार्ट फर्स्ट क्या चेक करना है कि क्यू एम तो नहीं है अगर क्यू एम है देन उसमें कुछ से कुछ हम डिलीट नहीं कर सकते क्लियर कैसे चेक करना इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू आर इफ़ यस देन द क्यू इज़ एम अगर फ्रंट एंड रेयर इक्वल वैल्यू है जब माइनस वन है देन द क्यू इज़ एम इफ फॉल्स अगर एम टी नहीं है उसमें कोई एलिमेंट्स है देन डिलीट द एलीमेंट एट द पोजिशन आर आर इज द रेयर पार्ट एज एलिमेंट इक्वल टू क्यू आर कहते हैं रेयर पार्ट पर जो वैल्यू है रेयर यहाँ पर इंडिकेट करा है वो वैल्यू को डिलीट कर दो क्लियर अपडेट द पॉइंट आर एज आर माइनस वन क्लियर जो अभी बताया कि सेवन वैल्यू डिलीट कर दी रेयर यहाँ पर था अब सेवन वैल्यू डिलीट कर दी तो लास्ट वैल्यू कौन सी बची है अब फाइव तो फाइव पे रेयर आ जाएगा तो यही लिस्ट बचेगी तो रेयर इंडिकेट द फाइव वैल्यू सो इफ फ्रंट इक्वल्स टू आर रीसेट द पॉइंटर एफ एंड आर एस एफ इक्वल टू आर माइनस वन एंड देन स्टॉप देन हम बैक से फिर मूवल परफॉर्म करना चाहते हैं ऑपरेशन देन रेयर किस वैल्यू को इंडिकेट है फाइव वैल्यू को तो नाउ अगेन द फाइव वैल्यू इज डिलीटेड रेयर इज अगेन इट डिक्रीमेंटेड बाय वन माइनस वन फोर पर आ जाएगा फोर इज़ डिलीटेड थ्री इज डिलीटेड टू इज डिलीटेड वन इज डिलीटेड देन फ्रंट एंड रेयर क्या आ जाएगा इक्वल हो जाएंगे और माइनस वन हो जाएंगे विच मीन्स डैड क्यों हमारा फिर से एम टी हो गया है तो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर अब प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा दीज आर ऑल द फोर ऑपरेशंस ऑफ द dq that is the double ended queue now we have the two types of dq first one is the input restricted dq and second one is the output restricted dq in the input restricted insertion can be done only at one end while the deletion can be done from both ends input resist, uh, restricted means कि हम कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं पर ओनली एक साइड से कर सकते हैं बट डिलीशन जो है वो दोनों साइड से कर सकते हैं इनपुट वे रिस्ट्रिक्शन है इनपुट को डालने के लिए वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए इंसर्ट करने के लिए आउटपुट में क्या होगा उसका ऑपोजिट डिलीशन कैन बी डन ओनली एट वन ऑफ द एंड्स वेल इंसर्शन कैन बी डन ऑन बोथ द एंड्स विच मीन्स डिलीशन हम दोनों साइड में से किसी एक साइड पे कर सकते हैं बट इंसर्शन हम दोनों साइड से, से कर सकते हैं इंसर्ट एलिमेंट्स जो है उनको इंसर्ट हम दोनों साइड से कर सकते हैं फ्रॉम द क्यू नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डी क्यू अ स्टील एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट द टास्क शेड्यूलिंग फॉर सेवर प्रोसेसर और द मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में हम डी क्यू यूज़ करते हैं द प्रोसेसर गेट्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू वेन वन ऑफ द प्रोसेसर कम्प्लीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑन थ्रेड्स इट कैन स्टील अ थ्रेड फ्रॉम द अन अदर प्रोसेसर इसका क्या मीनिंग है पॉइंट्स का कि हम डी क्यू को एक एल्गोरिथम है डेट इज ए स्टील तो उसमें हम यूज़ करते हैं फॉर द शेड्यूलिंग परपज टाइम वेसिस होता है जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोसेसर होते हैं प्रोसेस होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं टाइम बाय टाइम तो डी क्यू ऑपरेशन वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं प्रोसेसर गेट्स द फर्स्ट एलिमेंट प्रोसेसर इसे यहाँ पर किसे कहा है सी को तो सी पी जो जो है दो वो फर्स्ट एलिमेंट लेता है फ्रॉम द डी क्यू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट वो पिक करता है फॉर एग्जाम्पल फाइव एलिमेंट पिक किया वेन वन ऑफ द प्रोसेसर कम्प्लीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स आउन थ्रेड्स इट कैन स्टील अ थ्रेड फ्रॉम द अनदर प्रोसेसर थ्रेड मतलब टाइम इंटरवल फॉर एग्ज़ाम्पल सो अगर हमारे पास एक प्रोसेसर ने अपनी एग्जीक्यूशन uh, कंप्लीट कर लिया है जो उसे टास्क दिया गया था वो कंप्लीट कर लिया है तो वो नेक्स्ट जो है थ्रेड जो है थ्रेड क्या है uh, प्रोसेस का एक फर्दर पार्ट क्लियर तो वो अनदर प्रोसेसर से वो स्टील कर लेता है इट गेट्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द डी क्यू ऑफ अनदर प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूटि विच मीन्स डैट क्यूब में से कोई और एलिमेंट जो है उसे ले लेता है और उसको एक्जीक्यूशन परफॉर्म करने विच मीन्स दैट क्यू के दो पार्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं सो अंडू एंड रीडो ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल अनडू एंड रीडो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सो so, वो भी क्या है डी क्यू की एग्जाम्पल है नाव लास्ट इज द एप्लीकेशन्स ऑफ क्यू ठीक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर इट इज़ यूज टू शेड्यूल द जॉब्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू शेड्यूल मतलब टाइमली जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्यू को यूज़ करते हैं क्यू का मतलब क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो जॉब जॉब मतलब प्रोसेस कोई काम है जो पूरा करना है तो जो पहले काम आया है वही पहले पूरा होगा सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डैट कि सी पी यू पहले उसे जो वर्क दिया गया है वो पहले कंप्लीट करेगा उसके बाद जैसे नंबर मर्जी हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर लें बट जो पहले एप्लीकेशन ओपन किए वही सी पी यू प्रोसेस करेगा वेन द मल्टीपल यूजर्स सेंड द प्रिंट जॉब्स टू अ प्रिंटर ईच प्रिंटिंग जॉब इज़ कैप्ट इन द प्रिंटिंग क्यू जब हम एक बुक है उसके प्रिंट निकालना चाहते हैं तो जो पहले प्रिंटिंग में जो पहला क्यू दिया गया है पहले दो पेजेस हैं जब पहले पांच पेजेस हैं जब पहला पेज है वही पहले प्रिंट होके निकलेगा तो क्यूज वाइज आता है पहले पहला दूसरा तीसरा चौथा जेनी के आगे पीछे आएंगे देन द प्रिंटर प्रिंट्स दोज जॉब्स अकॉर्डिंगली टू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस क्लियर फर्स्ट सर्च यूज क्यू डाटा स्ट्रक्चर टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ दिस कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन द ग्राफ मड्यूल सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन एंड द With this, the concept of Q is completed.